मंच में उपस्थित आदरणीय नंद कुमार साय जी, पूर्व सांसद, आदरणीय भाई विनोद वर्मा जी, भाई गिरी देवांगन जी, अम्बलगन जी, अंकित आनंद जी, श्रीमती बघेल जी और सभी हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी उपस्थित साथियों, 8 दिन पहले ही इसी सभा में हम लोग थे। समय था यही समय और तारीख थी 30 अप्रैल, आज 8 मई, 8 दिन पहले ही इसी जगह में बैठे थे, लेकिन वो चेहरे अलग थे। वो सब हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, प्रतीक के रूप में वो सब यहाँ उपस्थित हुए थे। उस दिन करीब 70,000 बेरोजगारों को 2,500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता का वितरण का समय था और उसमें एक लड़की ने ये कहा, एक कोई खैरागढ़ का कोई लड़का था, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता था, सबके अलग अलग तैयारियां थी और उन्होंने ये बात कही कि ये बेरोजगारी भत्ता तो ठीक है, इससे हमारे पढ़ाई में सहायता मिलती है, लेकिन ये भर्ती आप कब खोलेंगे? और उसी मंच से जब मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तब मैंने कहा कि यदि न्यायालय से आदेश आ जाए तो दूसरे दिन के समाचार पत्रों में भर्ती के विज्ञापन भरे पड़े रहेंगे। और हुआ यही, मैंने 30 तारीख के बाद कही और 1 तारीख को भर्ती पर रोक जो लगी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने शुरू कर दी, रोक हटा दी। और आप देखेंगे कि लगातार भर्तियों के विज्ञापन सभी विभागों में, जिन जिन विभागों में वैकेंसी थी वो सारे भर्तियों के आदेश निकाल रहे हैं और जिनका पीएससी में, व्यापम में जिनका सिलेक्शन हो गया था, केवल आरक्षण के चलते नई भर्ती हम नहीं कर पा रहे थे। तैयारी पूरी थी और देखिए कि सबसे पहले जो रिजल्ट आया वो आपके नियुक्ति का आदेश निकला और सरकार चाहती है कि जितने खाली पद हैं उसकी भर्तियां करें और नए छात्र छात्राओं को शासन की ओर से अवसर मिले, और उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है। लगातार भर्तियां प्रारंभ हो चुकी है और उसके विज्ञापन निकल रहे हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो कई लोग लिख रहे हैं, जैसे अभी आपका क्या नाम बताएं, समीक्षा, समीक्षा ने कहा कि कका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कविता भी पढ़ दी। तो एक लड़के ने लिखा कि अति जल्दी जल्दी काबर निकाला था, हमन परीक्षा कैसे दिलाबो। हर विभाग में भर्ती के विज्ञापन निकले थे, हमन कैसे देवाबो। तो दूसरा लड़का हम लिखते, परीक्षा देवावे कोई बात नहीं, तैयारी कर, चाहे एमए परीक्षा दे चाहे ओमए परीक्षा देवा, फीस नहीं लागे, शुल्क का माफ कर दे। दो छात्र छात्राओं को जो जितने भी हमारे भर्तियां हो रही है उसमें जो शुल्क लगता था उसको भी हमने माफ़ कर दिया है। तो जो बेरोजगार जो छात्र छात्राएं हैं उसको इससे बड़ी लाभ, और अभी तो 2,500 रुपया महीने उनको दे भी दिया है तो परीक्षा की तैयारी में वो भी मददगार होगा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए एक तरफ ऊर्जा विभाग में लगातार पहले 2017 तक की स्थिति थी कि 4,100
4,100 मेगावाट के अधिकतम मांग थी और अब वो बढ़ के 5,300 हो गया, तो 1,300 मेगावाट के डिमांड बढ़ी है। तो छत्तीसगढ़ के किसान हैं, छत्तीसगढ़ के व्यापारी हैं, छत्तीसगढ़ के उद्योगपति हैं, निरंतर छत्तीसगढ़ के विकास में काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि बिजली की खपत बढ़ी है, इसका मतलब ये है जिनके घर में पंखे नहीं थे अब पंखे लग गए, जिसके घर में पंखे भर थे तो कूलर भी ले लिया, कूलर जिसके यहाँ है अब ग्रामीण क्षेत्रों हमने डाटा देखा तो उसमें एसी भी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि घरेलू खपत भी लगातार उसमें वृद्धि हुई है। तो डिमांड के हिसाब से पूर्ति होना चाहिए और ये जिम्मेदारी हमारे जितने भी जूनियर इंजीनियर हैं उनके कंधों पर है। बड़े उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में आप काम करेंगे और प्रदेश जीरो पावर कट स्टेट कहलाता है, उसे आपको मेंटेन करके रखना है और पूर्ति आपको करना है। उसी प्रकार से सिंचाई विभाग में बहुत सारे हमारे साथी उप अभियंता के पद पर चयनित हुए हैं। बहुत दिनों से इरिगेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे पद रिक्त थे, प्रमोशन के लिए भी अब अधिकारी नहीं बचे थे, स्थिति ये थी। पिछले समय भर्तियाँ नहीं हुई थी और इतनी बड़ी संख्या में शायद पहली बार भर्ती हुई है, तो बहुत से काम आपको करना है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो है लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में उतर के काम करना है तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है। सिंचाई रकबा में वृद्धि करना है, समय में किसानों के खेतों में पानी पहुंचाना है, निस्तार के लिए पानी पहुंचाना है, पेयजल की व्यवस्था करना है, तो बहुत सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो बड़ी आशाएं आप सब से है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जो वास्तविक क्षेत्र में आप उतर रहे हैं, माता पिता के जो सपने हैं वो साकार हुए, आपने जो सपने देखे थे वो अब साकार हुए हैं, तो अब हम सब मिल के छत्तीसगढ़ की जनता के जो सपने हैं उसको साकार करना है। इसी आह्वान के साथ आप सबको पुनः बधाई शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को